Assalamualaikum. alaikum my name is syed wazir i have been teaching css english essay pressy and current affairs for the last seven years in islamabad dear students today we will talk about how to make outline how to make outline different cogent qualitative persuasive and argumentative डियर स्टूडेंट्स ये एक ऐसे मैंने एवेल्यूवेट किया था द आउटलाइन इज़ बेस्ड ऑन टू पेजेस यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करें टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स एरर नंबर वन अगर आप लोग ये पंक्चुएशन देख लें कॉलन डैश और हाइफन ये स्पेनिश लैंग्वेज का पंक्चुएशन है इंग्लिश में इस पंक्चुएशन की कोई प्लेस नहीं इट्स स्पेनिश लैंग्वेज पंक्चुएशन इट इज नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स फिर इसका तीसरी स्टेटमेंट देख लें क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इज अ प्रेसिंग इशू बट टूडे वी आर नॉट कंसर्नड विद द टॉपिक ऑफ दिस स्टेटमेंट वी आर कंसर्नड विद द टॉपिक ऑफ आउट लाइन स्टूडेंट्स आउट लाइन यहां से देख लें आउट लाइन मैंने करेक्ट करके इसको कॉलन के साथ एंड किया दैडिंग आउटलाइन शुड बी एंडिड विद द पंक्चुएशन कॉलन पंक्चुएशन कोलन के साथ आप इसको एंड करेंगे स्टूडेंट्स नंबरिंग में देख ले रोमन इंट्रोडक्शन रोमन नंबर वन इंट्रोडक्शन रोमन नंबर टू रिपरकशंस ऑफ बैड गवर्नेंस ऑन पाकिस्तान फिर स्टूडेंट्स इसने लिखा है कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई और फिर रोमन नंबर थ्री मल्टी फेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस फिर कैपिटल लेटर्स में देख लें ए बी सी डी ई e. फिर इसने रोमन नंबर फोर में लिखा है होलिस्टिक रिफॉर्म्स टू स्टैम्प आउट द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस फिर स्टूडेंट्स इसने कैपिटल लेटर्स में ए से लेके नेक्स्ट B C D E और फिर रोमन नंबर फोर फिफ्थ में आप कंक्लूजन का हेडिंग देख लें नाउ स्टूडेंट्स द पॉइंट इज यहां पे इसने लिखा है रिप्रकर्शन ऑफ गुड गवर्नेंस ऑन पाकिस्तान स्टूडेंट्स शुगर कोटेड वर्ड्स आर ओकेबलरी या स्टूडेंट्स सिंपली प्रोफेशनल ओकेबलरी या स्टूडेंट्स सिंपली इम्बेलेंस्ड ओकेबलरी आउटलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग सोफेस्टिकेटिड शुगर कोटिड वर्ड्स फ्रेजिज या वर्ड आइटम्स आप लोग यूज करेंगे ये मैं आपको तरीका बताता हूँ या स्टूडेंट्स देख ले रिपरकशंस ऑफ बैड गवर्नेंस आन पाकिस्तान इसको लिखना चाहिए था फॉर रीचिंग रिपरकशंस वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस हार्ड टू रिवर्स इफेक्ट्स ये स्टूडेंट्स बिल्कुल अगर आप लोग डान के एडिटोरियल्स पढ़ लें तो ये रिपरकशंस के लिए रिप्रकर्शन से पहले कलोकेशनली आप फॉर रीचिंग इस्तेमाल करेंगे वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशन से पहले हार्ड टू रिवर्स इफेक्ट से पहले इसको स्टूडेंट्स कलोकेशन कहते हैं ये फॉर रीचिंग और रिपरकशंस के दरमियान जो एकेडमिक रिलेशन है वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को हम कहते हैं कलोकेशन फार रीचिंग रिपरक तो स्टूडेंट्स ये शुगर कोटेड वर्ड्स आप लोग सोफिस्टिकेटेड ओकेबलरी डान बाकी जितने भी अथेंटिक सोर्सेज ऑफ रीडिंग है आप उधर से एक टलाक बना दे एक लिस्ट बना दे और इसी तरह के वर्ड्स आप लोग लिस्ट करें फिर स्टूडेंट्स यहां पे देख लें बेडली अफेक्टेड सर्विस डिलीवरी इन पाकिस्तान ये इसने फ्रेज में किया है फ्रेज फॉर्म में वट इज स्टूडेंट्स अ फ्रेज फ्रेजरेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस ठीक है स्टूडेंट्स फ्रेज और क्लास को फिर हम नेक्स्ट uh, सेशन में डिफ्रेंशिएट uh, करेंगे फिर स्टूडेंट्स इसका बी देख लें इट क्रिएट्स ट्रस्ट डेफिसट इन मैसेज स्टूडेंट्स हमेशा के लिए जब भी आप मैस यूज करेंगे द मैसेज यहाँ पर मैंने करेक्ट फॉर्म लिखा है द मैसेज तो अगर स्टूडेंट्स ए में इसने लिखा था बैडली अफेक्टेड अक्सर बैडली अफेक्टेड हम इस अफेक्ट के साथ हम लिखते हैं एडवर्सली अफेक्टेड हम जिस तरह स्टूडेंट्स फार रीचिंग और रिपरक के का लोकेशनली जो रिलेशन है इसी तरह एडवर्सली अफेक्टेड ज़्यादा बेहतर है तो पे पे तो स्टूडेंट्स इसने ए को लिखा की फॉर्म में और बी में इसने कंप्लीट सेंटेंस क्रिएट की इट क्रिएट्स ट्रस्ट डेफिसिट इन द दैसेज पर फुल स्टॉप नो दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स या तो आप कंप्लीटली फ्रेजिस फॉर्म में लिख ले या कंप्लीटली कंप्लीटली आप सेंटेंस इसकी फॉर्म में लिख लें आप दो तीन अप्रोच को अमलगमेट नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते फिर स्टूडेंट्स यहां पे देख लें नंबर सी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ये फ्रेज है और ये भी फ्रेज है लेकिन दरमियान में इसने सेंटेंस को इंसर्ट किया था फिर स्टूडेंट्स ई में देख लें क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहां पर इसको लिखना चाहिए था रेजिंग या सिमरिंग क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन ये स्टूडेंट्स जब आप एड्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं ठीक है यू आर गोइंग टू इम्बेलेंस यूवर लैंग्वेज यू आर गोइंग टू इम्बेलेंस यूर लैंग्वेज फिर स्टूडेंट्स रूम नंबर थ्री में देख ले मल्टीफेरियस रीजनस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पहले तो आप क्राइसिस को अंडरस्टैंड करें यह जो आपका क्राइसिस है सी आर आई एस आई एस ये सिंगुलर में हम यूज करते हैं और सी आर आई एस ई -E एस क्राइसिस हम प्लोरल में इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे रोमन नंबर थ्री को मैंने रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की यहाँ पे मैंने लिखा आ, मेजर रोट काजेस फैक्टर्स डिटर्मिनेट्स ठीक है स्टूडेंट्स हम मेजर रोट जिस फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ये स्टूडेंट्स अगर आप कलोकेशनली इसी तरह स्ट्रक्चर यूज करेंगे दे विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यूर एग्जामिनर फिर स्टूडेंट्स यहां पर देख ले अन डेमोक्रेटिक कल्चर अन डेमोक्रेटिक कल्चर यह बिल्कुल ठीक है ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द प्रेवलेंस ऑफ अन डेमोक्रेटिक कल्चर पे वेस्ट इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट आप स्टूडेंट सिंपली इसको इस तरह लिखते हैं परसवेंस रिलैंट लेस परसेंस ऑफ वेस्टिड इंटरेस्ट आप बेशक नेशनल इंटरेस्ट यहां पे मेंशन भी ना करें फिर स्टूडेंट्स यहां पे देख ले करप्शन एंड नेपोटिज्म इसको लिखना चाहिए वाइड स्प्रेड आर रैमपैट करप्शन एंड क्रॉनिक नेपोटिज्म वाइड स्प्रेड आर रैमपैट करप्शन एंड क्रॉनिक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशनट मिलिट्री इंटरवेंशन अगेन ई में देख ले नो no अकाउंटेबिलिटी आपको लिखना चाहिए लेक ऑफ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी लेक ऑफ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ठीक है स्टूडेंट अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग एकरास का स्पेलिंग देख ले ये गलत है ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैंने लिखा था ठीक है एकरास द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स अगेन ये देख ले वाइड स्प्रेड और रैम्पेंट ये करप्शन के साथ आपके कलुकेशन है क्रोनिक नेपोटिज्म के साथ आपका आ, कलुकेशन है और लेक ऑफ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ये अकाउंटेबिलिटी के साथ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स का लोकेशन और आप ये इन चीजों को होलिस्टिकली कैटेगोरिकली और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पे स्टूडेंट्स आगे देख ले इसने यहाँ पे लिखे रोमन नंबर फोर में होलिस्टिक रिफॉर्म्स टू स्टैंप आउट द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस स्टूडेंट्स यहां पे स्टेम्प आउट ये आपका फ्रेजल वर्ब है यहां पे मैं सिर्फ फ्रेजल वर्ब कोशिश करें स्टूडेंट्स हम कि आउटलाइन के अंदर फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स और अननेसेसरली इलेवेंट वर्ड्स टेक्निकल जॉर्गन्स और ओकेबलरी को आप अवॉइड करें यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहिए था होलिस्टिक रिफॉर्म्स फॉर एलिमिनेटिंग The crisis of good governance ya yeah, for resolving. For addressing. Acha students, ye heading is uh, substitute kar sakte. Meaningful, structured, methodical, or realistic, true, long term strategic reforms for improving good governance or for resolving addressing the issues of bad governance. ठीक है या गुड गवर्नेंस इंप्रूविंग गुड गवर्नेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लें अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे बी सी डी ई स्टूडेंट्स यहां पे देख ले रोबस्ट सेट ऑफ ऑफ चेक एंड बैलेंस चेक एंड बैलेंस ये चेक्स एंड बैलेंस आना चाहिए फिर एबॉलिशिंग uh, फ्यूडलिज्मिशिंग द डीपली एंट्रेंच फ्यूडलिज्म एंशोरिंग ट्रू रूल ऑफ लॉ होलिस्टिक इंटरवेंशन इन एजुकेशन सेक्टर और फाइव में पेयर कंक्लूजन अगेन स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रिकेप द होल डिस्कशन आप लोग इस चीज को कैटेगोरिकली अंडरस्टेंड करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स आउटलाइन के अंदर अगर आपने सेवनटीन से लेकर थर्टी तक या एटीन से ले कर ट्वेंटी फाइव तक या आपने ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू और इवन ट्वेंटी हेडिंग्स आपने देने हैं वेदर दे आर मेजर हेडिंग्स और दे आर माइनर हेडिंग्स और दे आर सपोर्टिंग हेडिंग्स सपोर्टिंग हेडिंग्स स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग एक कैटलाक बना दें एक लिस्ट ऑफ कलोकेशनली वेल डिफाइंड ओकेबुलरी ठीक है स्टूडेंट्स प्रीवियस मेरे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने यह काम किया था कि ऐसे के लिए ऐसे के लिए इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी हर स्टूडेंट ने इसमें तकरीबन थ्री थाउजेंड तक वर्ड्स इन लोगों ने लिस्ट किए थे हर टॉपिक से रिलेटेड वेदर इट्स डेमोक्रेसी गवर्नेंस, एनर्जी क्राइसिस, फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस, इकोनॉमिक चैलेंजेस टेररिज्म ये तो स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए आप करेंगे लेकिन ये जो आउटलाइन के लिए आपकी ओकेबलरी है आउटलाइन ओकेबलरी ये स्टूडेंट्स आप लोग मेजॉरिटी केसेस में अगर हंड्रेड तक आप वर्ड्स तैयार करें कलोकेशनली वेल डिफाइंड ओकेबलरी यू कैन राइट यू कैन कंपोज यू कैन कंपाइल यूअर आउटलाइन इन अ सक्सेसफुल मैनर स्टूडेंट्स यहां पर एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा द ओनली थिंग अगर आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं अगर आप परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और किसी से भी एवेल्यूबेड करवाएं किसी प्रोफेशनल टीचर से मैंटोर से एक्सपर्ट से इवन स्कूल टीचर कॉलेज टीचर एटलीस्ट वो आपको अगर दो तीन आपके इग्रिजियस ब्लंडर्स भी पॉइंट आउट करें इट कैन गो अलॉन्ग वे स्टूडेंट्स जो आपके क्वेरीज है आपके डिफिकल्टीज हैं आप लोग मुझे इंटीमेट करके बता सकते हैं यू कैन इन्फॉर्म मी इन द कामेंट सेक्शन में यूट्यूब लर्न इंग्लिश विद सईद वजीर अपलोड करूँगा नेक्स्ट सेशन के लिए किसी दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे और जो पैराग्राफ राइटिंग के स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है फोर्टीन जून से हम पैराग्राफ ऐसे राइटिंग शुरू करेंगे